आजा तुझे भी मैं करा दूं तमन चेपे डिस्को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो में। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। सलमान खान के इन दिनों कई सारे चर्चे सुनने में आ रहे हैं, लेकिन ये चर्चा किसी हसीना को लेकर नहीं बल्कि किसी और को लेकर है। सलमान खान इन दिनों तमंचे पर डिस्को कर रहे हैं, अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको दिखाते हैं। बाद सलमान ने चलाया तमंचा, निशाने पर अमिताभ और शाहरुख। सलमान का तमंचे पर डिस्को। सलमान खान एक ऐसे एक्टर है जिनका निशाना अपने दुश्मनों पर कभी नहीं चूकता। हर बार कोई ना कोई सलमान खान के इस निशाने पर आ ही जाता है, और इस बार तो सलमान ने अपने तमंचे से एक नहीं बल्कि दो शिकार एक साथ कर लिए हैं। जी हाँ, शिकार हुए ये वही शख्स हैं जिन्हें कभी सलमान खान अपना दोस्त बना देते हैं तो कभी उसी शख्स को अपना सबसे बड़ा दुश्मन। अब इससे पहले हम कुछ कहें, आप जरा सलमान का ये बयान सुनिए। सुना आपने क्या कह रहे हैं सलमान खान? जी हाँ, ये दबंग बात कर रहा है अपने सबसे बड़े दुश्मन शाहरुख खान की। एक बार फिर सुनिए क्या कहना है सलमान का शाहरुख को लेकर। मुझे नहीं लगता फिर हमें जीत तो नहीं, तो फिर शाहरुख को बुला। शाहरुख इधर नहीं ना? है ना है यार? नहीं नहीं, तो गया ना हैप्पी न्यू ईयर। हाँ तो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर होता तो जरूर आता। जहाँ पर फिर हम एक बार से ट्वीट कर लेंगे, अब तो करना पड़ेगा। It was all about a handful of time. हम आपको बता दें कि ये वही सलमान हैं जिन्होंने कुछ टाइम पहले शाहरुख को अपने शो बिग बॉस में इनवाइट किया था। आई थिंक ये सब हैप्पी न्यू ईयर के पीआर टीम से जुड़े हुए हैं कि ऑलरेडी उनका प्रमोशन हमने स्टार्ट कर दिया। हर सवाल के अंदर ये आता है कि हैप्पी न्यू ईयर की टीम आएगी, तो क्यों नहीं आएंगे भाई? वो डिसीजन उनका है, लेकिन पीआर वर्क एक्टिविटी शुरू कर दी गई है। सलमान करने की जरूरत नहीं, हम वैसे ही कर रहे हैं। और बेचारे शाहरुख खान ने भी सलमान की दरियादिली मानकर इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करने की गलती कर दी थी। I think everybody is very courteous, very gracious, so is Salman bhai, and so we love this that he thought that we should come there. लेकिन बेचारे शाहरुख खान को भी क्या पता था कि ये सलमान खान है, और ये कब क्या कह दे इन्हें खुद भी नहीं पता होता। वैसे सिर्फ शाहरुख खान ही क्यों, सलमान का ये तमंचा इस बार अमिताभ बच्चन को भी निशाना बनाने से नहीं चूका। आप भी देखिए सलमान ने कैसे ली अमिताभ बच्चन पर चुटकी। अमित जी का गाना प्यार में गोली कौन सी है? कौन सा? हाँ, प्यार में दिल पे जोर मार ले लो जो लेके मेरी जान। एक नया कोई क्या बोलते हैं पब्लिसिटी, एक ट्रेंड कुछ। मैंने सोचा कि यार मुझे क्यों बुलाया इस गाने के लिए, बुलाना चाहिए था तो अमित जी को बुलाना चाहिए था, लेकिन अमित जी के पास अप्रोच नहीं है। सुना आपने किस तरह से सलमान खान अमिताभ बच्चन का भी मजाक उड़ाने से पीछे नहीं हटे। दरअसल मौका था फिल्म तमंचे की म्यूजिक लॉन्च का, जहां पर सलमान को फिल्म की प्रमोशन करनी थी। गया
प्रमोशन तो दूर, सलमान खान तो खुद ही शुरू हो गए अपने तमंचे से अपने दुश्मनों पर वार करना। वैसे कमेंट करने के बाद सलमान खान चुटकी लेना कभी नहीं भूलते। तभी तो देखी जब सलमान ने अपने तमंचे से सभी दुश्मनों पर वार कर दिया, उसके बाद कैसे खुद अपने ही तमंचे पर सलमान खान करने लगे तमंचे पर डिस्को। भावना मंजाल के साथ पूनम अधिकारी, जी मीडिया।